भारत के सबसे विशाल तटीय क्षेत्र गुजरात में स्थित है। भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र 46,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ और जंगली गधों का घर, यह है गुजरात का कच्छ। यह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत का 90% नमक का उत्पादन यहीं होता है। यह थार रेगिस्तान का ही एक हिस्सा है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। यह भारत के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक है और सर्दियों में भी यहाँ का तापमान 0 से नीचे तक पहुँच जाता है। इस व्हाइट डेजर्ट की सबसे खास बात यह है कि ये मानसून के समय कच्छ की खाड़ी का पानी इस रेगिस्तान में आ जाता है, जिसके कारण से इसकी सुंदरता अत्यंत मनमोहक हो जाती है। यह एक विशाल समुद्र की तरह दिखाई देता है जो कि देखने में अत्यंत अद्भुत लगता है। यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ और यहाँ के प्राणी एक महान धरोहर हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले वन्य जीवों की बात करें तो काला हिरन, चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी, भेड़िया, नीलगाय और बहुत सारे छोटे मोटे जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ पर चील, बाज, गिद्ध, शिकारी पक्षियाँ और फ्लामिंगो जैसे बर्ड्स भी कभी कभी दिखाई दे जाते हैं। इस मरुभूमि में अत्यंत विषैले सर्प भी पाए जाते हैं, इसलिए यह और भी अधिक खतरनाक बन जाता है। लेकिन यहाँ का सबसे अद्भुत जीव है जो 50 डिग्री के तापमान में भी जीवित रहता है, वह है जंगली गधे, जिन्हें यहाँ के स्थानीय भाषा में खुर कहा जाता है। यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी की कमी होने के कारण भी इस मरुस्थल में दौड़ते रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर भारत का एक अद्भुत पक्षी भी पाया जाता है जिसे किलोर कहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की कमी। पानी की कमी के कारण यहाँ के लोगों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण से उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं और बहुत सारे लोग तो मर भी जाते हैं। भारतीय सरकार को यहाँ के स्थानीय निवासियों के बारे में कुछ उपाय करना चाहिए, जिसके कारण से यहाँ के लोग भी भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें।